टू मिनट्स अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज नई आवाज़ के साथ नया प्लेस, ये है नेहरू प्लेस। दिल्ली का नेहरू प्लेस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लैपटॉप के रिपेयर मार्केट, स्पेयर पार्ट्स, कुछ भी, यू से एनीथिंग, और आपको वो यहाँ मिलेगा। आज की ये हो सकता है 2 मिनट से ऊपर की बने वीडियो, क्योंकि यहाँ दिखाने को बहुत कुछ है। चलो थोड़ा सा सैर करते हैं। यहाँ शॉप्स हैं, कुछ बहुत बड़ी अच्छी शॉप्स हैं, कुछ छोटे वेंडर भी हैं। ये हैं टेम्पर्ड ग्लास के लिए, हर चीज़ यहाँ आपको मिलेगी। कॉपी भी मिलती है, ओरिजिनल भी है, जो आपको चाहिए, सस्ता महंगा ब्रांडेड कॉपी सब कुछ। छोटे वेंडर, इनका भी अच्छा चलता है, क्योंकि जिन्हें सस्ता चाहिए उनके लिए भी प्लेस होना चाहिए। चाय भी है यहाँ, ये है स्पेशल ठंडे दही भल्ले। ये कुछ शॉप्स हैं इधर, ये पूरा आप देखिए, लिनोवो है, एचपी वर्ड है, डेल है, आसुस है, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा ये क्लीन नहीं है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ एक ईटिंग पॉइंट है, ये बहुत पुराना ईटिंग पॉइंट है। जब मैं यहाँ 20 साल पहले आई थी फर्स्ट टाइम, ये है सस्ता और क्वालिटी भी अच्छी है और भरपेट। अब तो ये बहुत इम्प्रूव हो गया है, और ये कोरोना काल में फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं। पहले ये एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, एक कोने की दुकान छोटी सी, और अब इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लिया है, और ये अब यहाँ एडवर्टाइज भी कर रहे हैं अपने उसका। पहले नहीं, बहुत रश हुआ करता था, अब शायद कोरोना की वजह से उतना रश यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पहले क्यू लगती थी। खाना अच्छा है इनका और सस्ता भी है। काली चावल, दाल चावल, पालक चावल, छोले चावल, क्या कहना भाई साहब? सुन रहे हैं आप क्या क्या है मेन्यू में? कितने की है थाली? 120। ओ 120। नहीं, तो अब ये एक लस्सी भी है। ओ इंक्लूडेड लस्सी, अब ये महंगा हो गया है, पहले इतना नहीं था। पहले 60, मेरे ख्याल से 60 रुपए की पहले एक थाली थी, 60-65 रुपए की। पनीर राइस, छोले चावल, कढ़ी चावल, कुछ भी लो, और अच्छी क्वांटिटी होती है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, मैंने आपको सैर भी करा दिया है, इसका एक लुक तो मिल ही गया होगा, आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। चलो जी, अब ये नई वॉइस यहीं बंद होती है। नेक्स्ट वीडियो में सेम वॉइस के साथ आप मिलेंगे। Thank you very much. Bye bye. Have a nice day.